पूरे देश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। वहां करनाल के NDRI में भी आज फाइनल रिहर्सल का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करनाल की ADC वीना हुड्डा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की एवं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया। हम आपको बता दें कि इस बार करनाल में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर ध्वजारोहण करेंगे एवं परेड की सलामी लेंगे। करनाल के अतिरिक्त उपायुक्त वीना हुड्डा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पूरा का पूरा कार्यक्रम कोरोना की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया है, जिसके चलते बार सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं 26 जनवरी को निकाली जाने वाली विभिन्न विभागों की झांकियों को इस बार नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्यक्रम में योगा के कार्यक्रम एवं पुलिस NCC व स्कूली बच्चों के परेड के कार्यक्रम मुख्य रूप से आयोजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि हर बार करनाल का यह राष्ट्रीय पर्व करण स्टेडियम व नई अनाज मंडी में आयोजित किया जाता था, परंतु पहली बार यह कार्यक्रम करनाल के NDRI प्रांगण में होने जा रहा है। इस मौके पर SP गंगाराम पुनिया ने पुलिस व NCC बटालियन की परेड का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की भांति इस बार भी गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रम होंगे। तैयारी चल रही है उसको लेकर? देखिए, गणतंत्र दिवस की जितनी भी तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही है। आज हमने परेड का रिहर्सल भी चेक किया है, कल फाइनल रिहर्सल होनी है। इसके साथ ही जितने भी हमारे सुरक्षा के जो बंदोबस्त हैं या यातायात व्यवस्था के जो बंदोबस्त हैं उनकी भी हम आज रिहर्सल कर रहे हैं और सारी ड्यूटियां हम चेकिंग कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या क्या बंदोबस्त करना है, और हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे गणतंत्र दिवस का जो समारोह हो वो बिल्कुल अच्छे ढंग से संपन्न हो। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है और हर वर्ष इसको मनाना एक बड़े गौरव की बात है जिला प्रशासन के लिए। तो इस बार भी जिला प्रशासन ने पूरे प्रबंध किए हैं। वेन्यू आप जानते हैं, हमारा NDRI स्टेडियम है इस चीज़ के लिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि कोविड के चलते बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियाँ इस वर्ष नहीं हो पाएंगी, 15 अगस्त को भी नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार मार्च पास्ट के साथ साथ कुछ थोड़े से बच्चे लेकर हमने उनका योगा का कार्यक्रम तैयार किया है। तो ये बच्चे पहले सूर्य नमस्कार करेंगे और सूर्य नमस्कार के बाद एक म्यूज़िकल योगा का है जिसमें दो स्कूलों की टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उनकी तैयारी के लिए ही आज बच्चे यही करेंगे ताकि वो अच्छे से तैयार हो सके और आपस में कोऑर्डिनेशन कर सके। तो उम्मीद यही है कि कार्यक्रम हर वर्ष की तरह भव्य और बहुत अच्छा होगा। मैम, अब की बार कौन कौन सी टुकड़ियाँ यहाँ परेड में हिस्सा लेंगी? देखिए, परेड में तो पुलिस की टुकड़ी है, होमगार्ड की टुकड़ी है, NCC की टुकड़ी है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हमने लिए हुए हैं, तो तकरीबन 6 टुकड़ियाँ इसमें इस बार भाग लेंगी। मैम, हर वर्ष जो परेड है वो वहाँ होती थी सब्जी मंडी में, अनाज मंडी में, तो अब की बार NDRI में हो रही है, इसका क्या था? देखिए, ये तो प्रशासनिक फैसले हैं, दैट डजंट हैड, मतलब NDRI का भी एक अच्छा स्टेडियम है, शहर के बीच में है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.